हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ कंप्लीट स्वदेशी रेंज हेयर केयर की। तो हेयर केयर के प्रोडक्ट जो जिनके अलग अलग वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन आज एक कंप्लीट हेयर केयर रेंज मैं स्वदेशी प्रोडक्ट की लेके आई हूँ। तो एक के बाद एक मैं उनको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्री शैम्पू, यानी शैम्पू से पहले जो चीजें आप यूज करते हैं। तो प्री शैम्पू में आप जो दो प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं वो है, एक ये है हिमालया एंटी डैंड्रफ हेयर क्रीम। तो ये प्री शैम्पू के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और बीच में लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो और अगर आप डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये ना यूज करिए। तब उसके बाद आपके लिए एक ये प्री शैम्पू क्रीम होगी, प्रोटीन हेयर क्रीम, जो कि आपके अगर रफ हेयर है, फ्रिजी हेयर है, तो आपके हेयर्स को ये स्मूथ करेगा। तो एक ये प्रोडक्ट है प्री शैम्पू। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है आप एज अ प्री प्री शैम्पू यानी शैम्पू से पहले भी यूज कर सकते हैं, और शैम्पू करने के बाद भी थोड़ा सा बालों में हाथ में लेके आप बालों के जो टिप होते हैं उन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट हो गया। जो है वो है शैम्पू। तो शैम्पू में मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो ये आयुर का पूरा फैमिली पैक मैंने लिया है। तो आयुर हर्बल आमला शिकाकाई विद रीठा एक ये है, और आयुर के और भी शैम्पू आते हैं तो मैंने ये वाला लिया है। आप इसका कोई और भी ले सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो मेरे पास शैम्पू में है वो है ये हिमालय का एंटी हेयर फॉल शैम्पू। तो ये दो हेयर शैम्पू मैंने यूज किए हैं स्वदेशी प्रोडक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट उसके बाद में आता है आपका कंडीशनिंग के लिए। तो कंडीशनिंग के लिए मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है ये पतंजलि का एलोवेरा जेल। तो आप इसको हेयर वॉश के बाद थोड़ा सा अप्लाई करिए, थोड़ी देर इसको रखिए, उसके बाद रिंस कर दीजिए। तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है। और हाँ, पतंजलि का आप या किसी भी कंपनी का जो भी आप लीजिए, मतलब अब क्योंकि स्वदेशी की बात हो रही है तो हिमालय का भी आप ले सकते हैं और इसका पतंजलि का भी ले सकते हैं, और भी जिस कंपनी का आता हो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये ग्रीन वाला ही लेना है क्योंकि जो दूसरे होते हैं उसमें और चीजें मिली होती है। तो ये प्लेन एलोवेरा जेल जो आता है वही हेयर के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो एक ये है मेरे पास, और जो एक ये प्रोडक्ट है ये एक जो लघु उद्योग वाले होते हैं, ये आपको एग्जीबिशन वगैरह में मिल जाएगा। तो एलोवेरा जेल, सिंपल एलोवेरा जेल है ये, और आप ये भी ले सकते हैं। मैंने ये जो है एक एग्जीबिशन से ही लिया था। जो लघु उद्योग वाले स्टॉल लगते हैं वो अपने लघु उद्योग में
जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो दिखाते हैं। तो ये भी मेरा लगभग हाफ देख रहे हैं फिनिश हो गया है, तो ये भी मैं हेयर के लिए यूज करती हूँ, हेयर के लिए यूज करती हूँ। तो ये है ऑरवेल एलोवेरा फेशियल मसाज जेल। तो ये फेशियल मसाज जेल है, बट मैं इसको जो इसको मैं बालों में भी यूज कर लेती हूँ, क्योंकि प्लेन एलोवेरा जेल है ये, तो उनकी मॉइस्चराइजिंग के लिए भी ये अच्छा है। तो ये था हमें नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है, अब सारा हेयर केयर का हो गया तो हेयर कलरिंग भी चाहिए। तो हेयर कलरिंग के लिए या हेयर कंडीशनिंग के लिए भी आप कर सकते हैं। तो कंडीशनिंग के लिए मैंने ये नुपुर हिना लिया है, जो कि गोदरेज का है, गोदरेज एक इंडियन कंपनी है। तो उसकी मैंने ये प्लेन हिना लिया है, इसमें किसी भी तरह की और कोई चीज नहीं मिली हुई है। तो इनको इसको बालों में यूज करने के लिए ये अच्छी है। और जैसे और जो आप इससे और भी रिलेटेड जो आती है, जिसमें और चीजें शिकाकाई या आंवला वगैरह मिला रहता है, वो उस तरह के भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो था गोदरेज का, वो नुपुर प्लेन हिना थी, और मुझे लगा ये बेस्ट है कंडीशनिंग के लिए, कि जितना मिनिमम आप रखेंगे अपने सिस्टम में, अपने हेयर केयर रूटीन में, उतना ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूटीन होगा तो उसको फॉलो करना भी उतना ही कठिन होगा। तो ये सारे प्रोडक्ट थे, एक बार मैं आपको। अब हेयर केयर की बात हो तो हेयर ऑयल की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो हेयर ऑयल के लिए मेरे पास प्रोडक्ट है ये पतंजलि का नारियल का तेल, और मैं ज्यादातर बालों में नारियल तेल ही यूज करती हूँ, नारियल तेल ही यूज करती हूँ। तो ये पतंजलि का हेयर ऑयल का मैंने बड़ा पैक लिया हुआ है, जिसको मैं यूज करती हूँ। तो ये हेयर ऑयल के लिए प्रोडक्ट हो गया। जो प्रोडक्ट है वो है, अब हेयर की थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, तो ये है हेयर पैक, हेयर पैक है। और ये है जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल है, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। जो जो भी इसका जो लॉन्च उसके बाद पूरे इंडिया में इसका इसके प्रोडक्ट्स भेजे गए। सबसे पहले ये दिल्ली में लॉन्च किया गया था, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा आया। तो अब ये ऑल ओवर इंडिया मिलता है, इवन ये बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये जो भी इसका रीग्रोथ एंड रिवाइटलाइजिंग रेडी टू यूज हेयर पैक है। तो अगर आप हेयर पैक नेचुरल घर में बनाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आपके पास टाइम है, नहीं टाइम है और आपको चाहिए, तो इस तरह के आप रेडीमेड कोई भी पैक ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे स्वदेशी की वजह से, जो मतलब हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, उनमें मैंने जो भी इसको ये हेयर पैक लिया है। और ये सब मेरे मैं यूज करती हूँ, ये मेरे पास थे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन है, आपको पता है लॉकडाउन में कोई प्रोडक्ट मिल नहीं पा रहे हैं इस तरह के। तो जो मेरे पास प्रोडक्ट है, तो उनकी जो स्वदेशी रेंज पूरी हेयर केयर की है, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, दिखा दे रही हूँ। तो ये है आप मेरी दो प्री शैम्पू क्रीम्स, उसके बाद में ये हैं टू शैम्पूस, एक ये शैम्पू हो गया, एक ये, दो शैम्पूस मैंने यूज किए हैं। उसके बाद में हेयर पैक एक ये मैं लेके आई हूँ, और आफ्टर वॉश के लिए मैंने ये दो प्रोडक्ट्स लिए थे, एलोवेरा जेल है दोनों, प्लेन एलोवेरा एलोवेरा जेल। नेक्स्ट जो है हेयर ऑयल के लिए मैंने ये पतंजलि हेयर ऑयल यूज किया है, और कलरिंग के लिए मैंने ये नुपुर मेहंदी यूज की है। तो ये पूरा कंप्लीट हेयर केयर रूटीन है, हेयर केयर रेंज है, जिसमें आप जो है पूरी चीजें देख सकते हैं कि कंप्लीट हेयर केयर है। इसमें कुछ भी चीज ऐसी छूटी नहीं है किसी भी रूटीन में। आप स्पा करना चाहें तो इस वाली क्रीम से आप हेयर स्पा भी कर सकते हो, मैं इसी से स्पा करती हूँ घर में ही। तो ये सारे प्रोडक्ट थे,
और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा। मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, और कमेंट करके। मेरी बेटी बीच में कहाँ प्रोडक्ट्स को छूने की कोशिश कर रही है, तो हाँ प्रोडक्ट अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा, वीडियो सब्सक्राइब करिएगा, सॉरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये था पूरा स्वदेशी रेंज हेयर केयर रूटीन का। ओके व्यूअर्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और स्वदेशी है तो लाइक तो एक बनता ही। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।